सारण के एमएलसी सच्चिदानंद राय ने आज प्रेस वार्ता आयोजित कर यह घोषणा कर दी कि वो महाराजगंज से चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमने कोशिश दोनों गठबंधनों से बात करने की कि वो क्षेत्रीय उम्मीदवार हो, लेकिन दोनों दल खासकर एनडीए वहां पर अच्छे उम्मीदवार को देने में असफल रही और लगातार महाराजगंज की जनता की ये मांग उठती रही है कि वहां से क्षेत्रीय एवं स्वच्छ सभी के उम्मीदवार हो, लेकिन जब मैंने देखा कि कोई वैसा उम्मीदवार खड़ा नहीं हो रहा है तो जनता की मांग पर मैं महाराजगंज से चुनाव लड़ने जा रहा हूं। और उन्होंने साफ तौर पर एक बात और कही कि अगर मेरे नामांकन के बाद भी अगर कोई अच्छा एवं स्वच्छ छवि का उम्मीदवार आ जाता है तो मैं अपना नामांकन वापस ले लूंगा। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जो कि भाजपा के सिटिंग एमपी है उनको कितना नुकसान होता है। उसे अच्छा लगेगा उसी का नाम लूंगा, तो नाम बता दो, बताऊं आपको। जब हुआ ही नहीं, घोषणा ही नहीं उसके नाम से पहुंच में, तो मैं क्यों बताने जाऊं, ये बनता नहीं है। लेकिन निश्चित रूप से मेरी नजर में जो एक योग्य व्यक्ति था उसका नाम मैंने जरूर वहां आगे बढ़ाया है। अब अगर वहां के ऊपर विचार ही नहीं किया गया और पहले से तय किया जा चुका है कि नहीं किसको लड़ाना है, तो फिर तो उसका महत्व ही नहीं है। बेकार में हम काहे को अपना कपड़ा खोल ले जाए भाई। सरता जी, बहुत बड़ा सवाल और है, क्या महाराजगंज सीट आपने यही चुनी है? थोड़ा सा ये सवाल हटके है, वहां आपकी बिरादरी का भी थोड़ा सा बहुत ज्यादा बचत। अब क्या करें भाई, मेरा जन्म महाराजगंज में हुआ है, तो हम कहाँ चले जाए? हम तो स्थानीय की बात कर रहे हैं। हमारे पास अच्छा, सारण जिला से जब मैं लड़ा चुनाव तो मेरे बिरादरी का 1% वोट भी नहीं था। जो चुनाव मैं लड़ता हूँ, जो स्थानीय निकाय का चुनाव लड़ता हूँ, आप डेटा निकाल के देख लीजिएगा, 5500 वोट में 55 वोट नहीं हुआ मेरी बिरादरी का। फिर भी वो चुनाव लड़ा और 2 बार 52% 56% लेकर जीता, इसलिए मेरे ऊपर जातिवाद का आरोप तो लग ही नहीं सकता है। लेकिन भाई, मेरा जन्म अगर वही हुआ तो जन्मभूमि कैसे बदलते हैं? माता पिता और जन्मभूमि बदलना मेरे बस में है क्या? पत्नी जरूर मैंने चुना है, पत्नी मेरा चुना है। जब मैं जाऊंगा तो मुझे जो सबसे अच्छा लगेगा उसी का नाम लूंगा, तो नाम बता दो, इनको बताऊं आपको। जब हुआ ही नहीं, घोषणा ही नहीं उसके नाम से पहुंच में, तो मैं क्यों बताने जाऊं, ये बनता नहीं है। लेकिन निश्चित रूप से मेरी नजर में जो एक योग्य व्यक्ति था उसका नाम मैंने जरूर वहां आगे बढ़ाया है। अब अगर वहां के ऊपर विचार ही नहीं किया गया और पहले से तय किया जा चुका है कि नहीं किसको लड़ाना है, तो फिर तो उसका महत्व ही नहीं है। बेकार में हम काहे को अपना कपड़ा खोल ले जाए भाई। सरता जी, बहुत बड़ा सवाल और है, क्या महाराजगंज सीट आपने यही चुनी है? थोड़ा सा ये सवाल हटके है, वहां आपकी बिरादरी का भी थोड़ा सा बहुत ज्यादा बचत। अब क्या करें भाई, मेरा जन्म महाराजगंज में हुआ है, तो हम कहाँ चले जाए? हम तो स्थानीय की बात कर रहे हैं। हमारे पास अच्छा सारण